हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये पौधा देख लीजिए, काफ़ी मुश्किल से पौधा मिला है। आप मेरे वीडियो के टाइटल थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ, इस पौधे की मदद से कोई भी व्यक्ति घर पर ही रह करके कुछ सामानों को मिला करके स्वर्ण बना सकते हैं। इसके बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया कि सर, आपने जो तरीका बताया स्वर्ण बनाने का, इसमें हमें समझ ही नहीं आया, क्योंकि इस पौधे के माध्यम से मैं पहले भी स्वर्ण बनाने का तरीका बता चुका हूँ। तो आज मैं आप लोग को विस्तार से बताऊंगा। पेन कॉपी रख लेना और नोट करके रखना जितने भी तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारे वीडियो में बताया जा रहे जानकारी से आप जो स्वर्ण बनाना सीख जाएं और आपकी गरीबी दूर हो जाए। देखिए, पुराने समय में हमारे भारत भूमि में इतना ज़्यादा स्वर्ण हुआ करते थे कि दोस्तों, स्वर्ण के महल बनाए जाते थे, स्वर्ण के रथ बनाए जाते थे। यहाँ तक कि पुराने समय की जो माता बहनें थी, स्त्रियाँ थी, आभूषण से लदी होती थी स्वर्ण के, क्योंकि दोस्तों पुराने समय में वनस्पतियों से स्वर्ण निर्माण होता था। और मैं आज भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्वर्ण बनाना कोई कठिन समस्या नहीं है। हाँ, अगर रसायन शास्त्र आपको जानकारी बताते, जैसे कि दोस्तों कुछ लोग जानकारी बताते हैं, मैं देखिए मेरे चैनल का मकसद क्या है, हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ कैटेगरी चैनल है, फिर भी मैं आप लोगों को हेल्थ को छोड़ करके कुछ प्राचीन ज्ञान की जानकारी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को मनोरंजन भी हो जाए और प्राचीन ज्ञान की जानकारी है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सीख में आ जाए। तो स्वर्ण बना सकते हैं कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, स्वर्ण बनाने के लिए आपको करना क्या है, ये पौधे देख लीजिए, फिर बाद में बोलना कि सर, आपने जो जानकारी बताया समझ में नहीं है। इसलिए थोड़ा पौधे को ध्यान से देख लीजिए और एक पेन कॉपी रख लीजिए। इसे थुहर के नाम से जानते हैं। ये पौधे खासकर जंगली इलाके में सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अब क्यों जंगली इलाके में सबसे ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि जंगली इलाका ये होता है ना, जंगली जानवर, वो दोस्तों काफ़ी नुकसान पहुँचाते फसल को, और ये जहाँ पर पौधे लगा दिया जाता है वहाँ पर बहुत ही कटेला होता है, इसलिए जानवर फसल को नुकसान करने नहीं जा पाते, क्योंकि इसके कांटे रोक लेते हैं। तो इसे थुहर के नाम से जानते हैं, हो सकते हैं आपके इसे दूसरे नाम से जाना जाता हो। ये पौधे हमें काफ़ी मुश्किल से मिले हैं। तो नोट करें विधि किस तरह से है। पहला, थुहर की दूध लेना है। दूसरा, सत्यनाशी पौधा, सत्यनाशी पौधे का दूध लेना है। सत्यनाशी का पौधा इस प्रकार से होता है, हमारे वीडियो की स्क्रीन में देख लीजिए। तो सत्यनाशी पौधा का दूध लेना है, थुहर का दूध लेना है। इसके बाद तीसरा दोस्तों, इसमें आपको शुद्ध तांबे लेना है, वाइट कलर की। इसके बाद इन तीनों को आपस में मिला करके समान भाग तीनों को लेना है। इसके बाद इन तीनों के मिश्रण को अच्छी तरह से आपको घोटाई करना है। घोटाई करने के बाद पुटपाक यंत्र में डाल करके कम से कम आपको इसे 7 बार गर्म करना है, फिर ठंडा करना है। इस मिश्रण को फिर गर्म करना है, फिर ठंडा करना है, इस प्रकार 7 बार करना है। तो 7 बार अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप देखना, स्वयं भगवान महादेव ने भगवान परशुराम जी को बताया है कि अगर इस प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति करता है या कोई भी जनसाधारण आम व्यक्ति भी करता है, तो वह स्वर्ण बना सकते हैं। स्वर्ण बनाने के जो मैं आप लोगों को रहस्य बता रहा हूँ, जानकारी बता रहा हूँ, यह स्वर्ण तंत्र ग्रंथ से बता रहा हूँ। तो हो सकते हैं हमारे वीडियो में बताया जा रहे जानकारी से किसी एक व्यक्ति का, या जो स्वर्ण बनाना सीख जाए उसकी निर्धनता दूर हो जाए, मतलब दोस्तों वो गरीबी से अगर जूझ रहे, हमारे वीडियो में बताए गए तरीके से उनके गरीबी दूर हो जाए। तो आज के लिए बस इतनी जानकारी। हमारे इस चैनल में जुड़े रहे, इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहे, हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।